पलकों की छांव में टू नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। माँ, माँ आप रो रही है। ये तो खुशी है बेटा, जो आंसू बनके माँ की आंख से चला गए। हम तो ये देख रहे हैं, जिसे जन्म दिया और उसके बड़ा किया, वो कुछ ही देर में पराई हो जाएगी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। इससे बड़ी खुशी एक माँ के लिए क्या आ सकती है। बस तू जो पूरे घर में यहां वहां चहकती रहती थी, वो सब तो देखने को नहीं मिलेगा ना बेटा। कितनी याद आएगी तेरी, कितना सुना लगेगा ये घर। मेरे पास एक जादू है माँ, इस कमी को पूरा करने के लिए। अच्छा, क्या जादू है? माँ आप सुमन को ले आइए ना इस घर में, मैं गई वो आए, किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी, है ना जादू? अच्छा तुम भी यही सोच रही हो? सिर्फ मैं ही नहीं माँ, सब यही सोच रहे हैं। मेरी तो कल ही नंदन से भी बात हुई, वो तो हवाई गोते मार रहा है। अच्छा तो तुम लोगों की मिली भगत हो चुकी है और हम सोचते रह गए। ये काना जी आपका लाख लाख धन्यवाद, जो हमारे मन की बात आपने पहले ही सबको बता दी। नंदिनी तुमने हमारे मन का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया, अब हम देर नहीं करेंगे, तुम्हें विदा करते ही बहन जी से सुमन के रिश्ते की बात करेंगे। नंदिनी और सुमन का साइबर क्रिमिनल को मुंह तोड़ जवाब, वाह। कुछ भी कहो मिथिलेश, ये जो बच्ची है सुमन हमारे घर के लिए बहुत सौभाग्यशाली। जब से उसके कदम इस घर में पड़े हैं तब से इस घर में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अरे देखो, इतने सालों बाद राय बहादुर खानदान का नाम अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बच्ची बहुत समझदार भी है। समझदार के साथ साथ हिम्मतवर भी। तुमने देखा नहीं उस दिन जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था उस जर्नलिस्ट को, जब वो हमारी नंदिनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। अब ये देखो, तारीफ ही तारीफ छपी है अखबारों में। लीजिए बाऊजी, मुंह मीठा कीजिए। बिटिया की विदाई की खुशी में मिठाई बनाई हो? अरे दीदी इंतजार करिए, बैठे तो सही, हम सब बताते हैं। पाऊजी, दीदी हम आपसे एक अनुमति चाहते हैं। हमने इस घर के लिए सुंदर सुशील समझदार बहू ढूंढ ली है, यानी कि हमारे अंशुमन के लिए सही जीवन साथी। कौन है वो? पाऊजी सुमन। सुमन जी, अनुमति मांग रही हो कि तय कर लिया है? दीदी आप जैसा भी समझे, लेकिन हमने तो अपने बेटे की पसंद को समझा है। हमने और झा जी ने अपनी बहू को पसंद कर लिया है। मिथिलेश बेटा। जी बाऊजी, दरअसल नंदिनी बिटिया की बिदाई के समय ही हमने मामा जी और महन जी से बात कर ली थी सुमन के रिश्ते के लिए। अच्छा, कोई खेल खेला जा रहा है बड़ों के पीछ पीछे। देखिए बाबूजी, हमारे मना करने के बाद भी उस लड़की के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। अरे जब तय कर ही लिया है तो ये दूसरे पास्ते का नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? अरे बड़की बहू थोड़ा शांति से बैठो बाबूजी, हर बात को तूल देना ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से छोटकी बहू ने जो भी फैसला लिया उस फैसले पर हम सब घर वालों को गर्व होना चाहिए, और हमें खुद भी लगता है कि वो बच्ची सुमन
हमारे घर के लिए ही बनी है। हमारे पोते अंशुमन के लिए सुमन सही जीवन संगिनी साबित होगी। और बाबूजी, हमने दोनों की कुंडली भी मिला ली है, दोनों के 36 में से 36 गुण मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। संजोग के साथ अगर कुंडली मिल जाए तो सोने पे सुहागा, समझ लो सौभाग्यवती आ रही है हमारे घर। और बेटा अंशुमन, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। नंदन होता यहाँ पे तो कितना अच्छा होता ना, वो ये खुशखबरी सुन के बौरा जाता पूरा। खुश रहो। लीजिए बाबूजी, मुंह मीठा कीजिए। एक बात बताओ ना, हमारे रिलेशनशिप के बारे में घर में किसी को कुछ पता है? नंदनी को पता है ना? और इस बारे में तुम्हारी सुरभि माँ से कुछ बात हुई है क्या? नंदन? Yes, mom. Tell me. सुमन को लेके जा रहे हो? हाँ, बिग बी का ऑर्डर है तो कौन मना कर सकता है, इसलिए छोड़ नहीं जाऊँ। और माँ, आपने कहा था ना कि उसे सुमन जी को तंग मत करना, तो नहीं करूंगा। ओके? तंग किया तो पता है ना। सुमन तुम्हें कैसी लगती है? लड़की जैसी लगती है माँ, और क्या। अगर हम उसे इस घर की बहू बना के ले आए तो जैसे उसे छोड़ने जा रहे हो, वापस लेने भी जाना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हो। सवाल हमने किया है, तुम पलट के हमसे सवाल कर रहे हो। एक शब्द में जवाब दो, हम सुमन को इस घर की बहू बना के ले आए, हाँ या ना? एक मिनट मां, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना पहले से ही कुछ डिसाइड करके रखा है, राइट? अब आपके डिसीजन को कैसे बदला जा सकता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी ना नकचड़ी है, बट मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। चलो जाओ, उसे लेके जाओ। और सुनो, पूरे आदर और सम्मान के साथ। I don't know, यार इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल गया तुम्हें मैं, you know? शायद तुम्हारे फूलों के रंग के चक्कर में, या तो नंदिनी के वेलकम में, उसी चक्कर में मैं भूल गया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, माँ के मन में ना कुछ तो चल रहा है हम दोनों को लेकर, यू नो एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो क्या सोच रही है, लेकिन आई एम श्योर इस बार घर पे जाऊंगा ना तो मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा, and I am sure सब बहुत हैप्पी होंगे। And you know, मेरे पास एक सरप्राइज और है, जो कि अभी तक माँ को भी नहीं पता है, हाथ से भी छुपा के रखा है। सरप्राइज? Yeah. कैसा सरप्राइज? अब तुम हमें भी नहीं बताओगे, ऐसे करोगे तुम? तुम तो मेरे लाइफ के सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हें कैसे नहीं बताऊंगा। एंड यस, तुम पहली हो जिसे मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। okay? मेरे दोस्त के कहने पे मैंने मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, एंड सबसे बड़ी बात, मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया है। आखिरकार मेरे घर वालों को भी तो पता चले कि राय बहादुर खानदान का चिराग बिसार बन गया है। बिसार।